मैं अशोक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर एंड QHSE लीड ऑडिटर। सो टुडे माय टॉपिक इज हाउ टू बिकम ए इंटरनल ऑडिटर फॉर ISO। तो मैं आज आपको इस वीडियो में प्रेशर लोग और जो एक्सपीरियंस लोग है, जो लोग इंटरनल ऑडिटर बनना चाहते हैं, वो कैसे बन सकते हैं ये बताऊंगा, और इंटरनल ऑडिटर के साथ आप आपका जो करियर है वो कैसे ग्रो कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं, पहले मानो कि आप फ्रेशर हो, आपको इंटरनल ऑडिटर बनना है, तो मेरी फ्रेशर लोगों के लिए यही सलाह है कि आप डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर ना बने। मतलब क्या कि इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक ISO का सर्टिफाइड कोर्स रहता है, जो सर्टिफिकेशन बहुत सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज है वो कंडक्ट करते हैं, वो आपको करना पड़ता है। ओके, तो प्रेशर लोग अगर डायरेक्ट वो कोर्स करेंगे तो उनके पास ना इंडस्ट्री का नॉलेज रहता है ना प्रोसेस का नॉलेज रहता है, तो उनको समझने के लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट जाता है और वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट फ्रेशर हो तो डायरेक्ट इंटरनल ऑडिटर का जो कोर्स है वो ना करें। पहले कोई कंपनी एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर ज्वाइन कीजिए, एक डेढ़ साल का एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप ये कोर्स कर सकते हो। और आप जो भी मानो आप एज अ क्वालिटी इंजीनियर ट्रेनिंग ज्वाइन हो गए हो, आपका डेढ़ साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद आपने इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग का कोर्स कर लिया, तो आप मतलब अब क्या हो गया, आप क्वालिटी इंजीनियर भी हो गए प्लस इंटरनल ऑडिटर भी बन गए, तो आपका जो करियर है, आपका जो CV है वो बहुत स्ट्रांग बन जाता है और अभी आप आगे ज्यादा बढ़ सकते हो। मतलब आपको क्वालिटी मैनेजर, उसके ऊपर जो भी है DGM है वगैरह वगैरह जो पोजीशन रहते हो, आप वहां तक पहुंच सकते हो। और एज इंटरनल ऑडिट करके मैं आगे बताऊंगा कि आपको और क्या करियर ऑप्शंस है। ये तो हो गया फ्रेशर के लिए। मानो कि आप अभी एक्सपीरियंस हो और आप इंटरनल ऑडिटर बनना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, मानो आपके साथ आप मेंटेनेंस इंजीनियर हो या आप प्रोडक्शन इंजीनियर हो या आप क्वालिटी इंजीनियर हो या आप जो भी हो, आपको इंटरनल ऑडिटर बनना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक ISO का 2 या 3 दिन का कोर्स रहता है वो ज्वाइन करो, उसका सर्टिफिकेट ले लो, उसका नॉलेज ले लो, और वो करने के बाद आप कंपनी में एज ए इंटरनल ऑडिटर काम कर सकते हो। जब भी आपका कंपनी का इंटरनल ऑडिटर ऑडिट रहता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करो और आपका जो करियर है एज योर करंट पोजिशन प्लस इंटरनल ऑडिटर आप ग्रो कर सकते हो, और आपका आपको दूसरे कंपनी से भी जब अपॉर्चुनिटी आता है तो उसका आपको फायदा होता है, और आपकी जो सैलरी भी है वो भी अच्छी बढ़ेगी, आपका जो करियर है वो अच्छे से डेवलप कर पाओगे। हो गया, आप समझ गए कि फ्रेशर लोगों को क्या करना है और एक्सपीरियंस लोगों को क्या करना है। कभी कभी क्या हो सकता है कि आप अगर फ्रेशर हो और आपको डायरेक्ट एज अ इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग एज अ ज्वाइन करके लेंगे, आप ज्वाइन करो लेकिन उसके साथ आप दूसरे डिपार्टमेंट जो होते हैं, जैसे कि क्वालिटी इंजीनियर होते हैं, क्वालिटी मैनेजर रहते हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर रहते हैं, उनका क्या काम होता है, वो क्या काम करते हैं, उसका भी नॉलेज गेन करो और आपका जो करियर है वो डेवलप करो। ओके, ये तो हो गया इंटरनल ऑडिटर। मतलब आपको क्या करना है, जो भी सर्टिफिकेशन बॉडीज रहती है उनके कोर्सेस रहते हैं इंटरनल ऑडिटर का, ISO का, उसका ट्रेनिंग लेना है और आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो। दूसरी चीज, अभी इंटरनल ऑडिटर बन गए, मानो कि आप इंटरनल ऑडिटर बन गए 2 या 3 साल हो गए, अभी आप और आगे जाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली लीड ऑडिटर का एक कोर्स रहता है, वो लीड ऑडिटर का कोर्स करके आप लीड ऑडिटर बन सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो भी देख सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो लीड ऑडिटर बनने के बाद आपको बड़े बड़े MNCs कंपनी रहती है वो आपको कॉर्पोरेट लेवल पे MR या दूसरे जो पोजीशन रहती है GM वगैरह उसका भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं और आप कॉर्पोरेट लेवल पे MR का काम कर सकते हो, या आप बड़े बड़े जो सर्टिफिकेशन बॉडीज रहते हैं वहां भी अपॉर्चुनिटीज एज अ लीड ऑडिटर आपको मिलती है, वहां भी आप एज अ लीड ऑडिटर आपका जो करियर है वो डेवलप कर सकते हो। तो ये हो गया करियर पाथ, मतलब इंटरनल ऑडिट लेके आपका जो करंट पोजीशन था उसके भी आप आगे जा सकते हो, और आप लीड ऑडिटर बनके सर्टिफिकेशन बॉडी भी ज्वाइन कर सकते हो, और आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, आपकी पोजीशन है वो भी बढ़ेगी, और आपका जो करियर है वो भी डेवलप हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप इंटरनल ऑडिट कैसे बनना है आपको समझ में आया होगा, और आपको जो करंट पोजीशन है उसमें भी आगे कैसे जाना है वो भी समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूं, और अगर अब तक आपने मेरे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और देखते रहे मेरे YouTube चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर